गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो बच्चे, इन दिस वेरी लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस दैट यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे हैव व्हाट काइंड ऑफ नेचर? दे हैव वेव नेचर, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? ये क्या शो करती है? वेव नेचर शो करती है। किस बेसिस पे बोलते हैं बेटा वेव नेचर शो करती है? दो प्रोसेस के बेसिस पे। एक होता है हमारा इंटरफेरेंस और एक होता है हमारा डिफ्रेक्शन। ओके, ये दो प्रोसेस से जो थे, इंटरफेरेंस अगर मैं बताना चाहूं तो इंटरफेरेंस क्या होता है बच्चे? दो तरीके की होती है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एज वेल एज योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। क्रस्ट ट्रफ, सेम फेज विद सेम एम्पलीट्यूड, दे आर गोइंग टू एड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर सेम फेज ना हो कि अपोजिट फेज आए, यानी कि क्रस्ट पे ट्रफ और ट्रफ पे क्रस्ट आए, अपोजिट फेज हो, सेम एम्पलीट्यूड हो, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी? नलीफाई कर देंगी। तो क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस हमारे पास अगर नलीफाई हो गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये दो प्रोसेसेस के बेसिस पे साइंटिस्ट ने बोला कि इसका क्या है? वेव नेचर है। अब कुछ प्रोसेसेस और ऑब्जर्व किए गए साइंटिस्ट ने, देखा ऑब्जर्वेशन से कि कुछ और प्रोसेसेस हैं जो वेव नेचर सेटिस्फाई नहीं कर रही। वो प्रोसेसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस और नेचर, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेरी गुड। सेकेंड हमारा क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी गुड। थर्ड बेटा, ये दो प्रोसेसेस हैं, डेप्थ में ही पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में ही कवर किए जाएंगे। तीसरी क्या चीज देखी गई? तीसरी देखी गई कि जो हमारी हीट कैपेसिटी है किसी भी मटेरियल की, वो कैसे वेरी करती है, किसके विद रिस्पेक्ट टू योर टेम्परेचर। दैट मीन्स टेम्परेचर के चेंज करने से हीट कैपेसिटी क्यों बदल रही है भाई? वेव नेचर तो नहीं जस्टिफाई कर पाया। फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ बात होगी हमारी स्पेक्ट्रम की, स्पेसिफिकली फॉर योर हाइड्रोजन एटम। अभी सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम का ही स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस पाथ एमिशन स्पेक्ट्रम या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो हम डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर के जो दो मेन टॉपिक है वो है हमारे क्या? ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये ऐसे प्रोसेसेस थे जिन्होंने साइंटिस्ट को सोचने पे मजबूर कर दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो वेव नेचर के साथ साथ और कैसा बिहेवियर शो कर रही है। खाली वेव नेचर नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई और भी, हम लोगों के पास क्या है, कोई ना कोई और भी नेचर वो शो कर रही है। अब सबसे पहली बात करेंगे आज, फर्स्ट दैट इज योर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ध्यान से सुनो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ जरूर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट बच्चे। ओके, सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे इस एंटायर यूनिवर्स में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो परफेक्टली क्या फॉलो करती हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के सारे की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करती हो। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसेप्ट हमारे पास है, जो सबसे क्लोजेस्ट है अभी जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है वो है हमारा कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक 100% ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं है, लेकिन वेरी क्लोज टू दैट ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की क्या ऐसी खासियत है जो हम इसे अलग से पढ़ रहे हैं? पहली खासियत, 100% और यू कैन से दैट परफेक्ट एब्जॉर्बर का मतलब क्या कि जो भी किसी भी, यानी कि एनी लैम्डा, किसी भी लैम्डा की कोई भी रेज आए सबको क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। यानी कि लैम्डा स्पेसिफिक नहीं है कि भाई बस इतनी ही लैम्डा की रेज एब्जॉर्ब होंगी, कोई भी लैम्डा आए सारे लैम्डा एक्सेप्टेड। सेकंड,
परफेक्ट और यू कैन से दैट 100% एमिटर, जितने अच्छे से सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है उतने ही अच्छे से सारी रेडिएशन को एमिट आउट करती है। तो क्या हुआ, परफेक्ट एमिटर भी हो गई, यानी कि जो भी आएगी जितनी भी एब्जॉर्ब करेंगे उसी के हिसाब से उतनी ही हम लोग रेडिएट कर देंगे। वेरी गुड। तो अब बात आ जाती है बच्चे की ये इतनी परफेक्ट एब्जॉर्बर और इतनी परफेक्ट रेडिएटर हो कैसे सकती है, ठीक है ना, कि क्या है जो इसको परफेक्ट बना रहा है। और इसका नाम ब्लैक बॉडी क्यों बोल रहे हैं, देखो अब मान लो कोई कलर रेड होता है तो मतलब वो रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब ना करके उसे एमिट आउट करता है, बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी वजह से रेड दिखाई देता है। लेकिन ब्लैक कलर जो होता है वो जो भी वेवलेंथ आए सभी मोस्ट वेलकम है, सबको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जितने अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा उतने ही अच्छे से ये एमिट भी कर देगा, परफेक्ट एमिटर है। अब ध्यान से सुनो बात, अगर मैं इसकी पर यूनिट एरिया की बात करती हूँ, यानी कि मान लो मैंने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, ठीक है, सेम ही ऑब्जेक्ट है भाई ये, ठीक है, ये भी क्या है 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। अब ध्यान से सुनो, जितनी नंबर ऑफ रेडिएशन, किसकी बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ रेडिएशन की बात कर रही हूँ पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया जो एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही नंबर ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया क्या होंगी, एमिट आउट होंगी। मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब जो उसने एब्जॉर्ब की पर यूनिट एरिया, यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया था और मान लो इसने 10 रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रेडिएशन जो एमिट होंगी यानी कि पर यूनिट एरिया वो बराबर होंगी, यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में 10 रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर से 10 ही रेडिएशन एमिट आउट करेगा, तभी तो क्या कहलाएगा, परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट रेडिएटर। और ये बात याद रखना कि ये हमेशा किसके साथ रहता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में ही रहता है। सो दैट इज व्हाट अबाउट योर ब्लैक बॉडी। अब मैं अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या लेंगे, मान लो आयरन रोड है, थोड़ा सा इफेक्ट समझने की कोशिश करो, ठीक है, अब मान लो आयरन रोड है हमारी और आयरन रोड को तुमने हीट करना शुरू किया, सबसे पहला चेंज क्या देखोगे, मैंने क्या ली, आयरन रोड ली, गर्म करना शुरू कर दूं, गर्म करने से मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाई जा रही, सबसे पहले वो रेड हुई, फेंटेड रेड बोल सकते हो, फिर वो क्या होती है बिल्कुल एक्सट्रीम डार्क रेड, फिर वो व्हाइट हो गई और फिर वो ब्लू हो गई। अब विबग्योर में क्या था, जब यहां से यहां मूव करते हैं तो लैम्डा बढ़ती है, यानी कि रेड बढ़ रही है तो लैम्डा बढ़ रही है, ब्लू आ गया तो लैम्डा घट रही है, ठीक है। अब यही चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, दो चीजें याद रखना, जैसे जैसे गर्म करते हो इंटेंसिटी ब्राइटनेस की बात करूं तो वो दोनों ही बढ़ती है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी इंटेंसिटी क्या होती है रेडिएशन की, इंटेंसिटी भी बढ़ती है। वेरी गुड। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरी अगर मैं बोलूं कि भाई मैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर रही हूँ, क्या कर दिया बेटा हमने, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, अब मुझे बताओ इंटेंसिटी और लैम्डा का क्या रिलेशन है, इंटेंसिटी एंड योर वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब जो भी ये रेडिएशन निकली इनकी लैम्डा का क्या फर्क पड़ रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, मान लो कोई भी T2 टेम्परेचर है और एक हमने T1 टेम्परेचर ले लिया, कॉन्स्टेंट पहले सिर्फ इंटेंसिटी का रिलेशन इस टेम्परेचर पे देखा, मान लो ये था 50 डिग्री, सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, इतना कम टेम्परेचर नहीं होता, ये मान लो था 40 डिग्री, कॉन्स्टेंट रखा, टेम्परेचर नहीं बढ़ाऊंगी, टेम्परेचर मैंने 50 पे लाके आयरन रोड छोड़ दी 50 डिग्री करके। अब क्या चेंजेस देख रही हूँ मैं, ये चेंज देखती हूँ बेटा कि फर्स्टली इंटेंसिटी बढ़ेगी जब तक लैम्डा बढ़ेगा, फिर इंटेंसिटी मैक्स हो जाएगी जब लैम्डा अपना मैक्स हो जाएगा, और फिर अगर लैम्डा मैक्स के बाद भी बढ़ता है तो इंटेंसिटी घटनी शुरू हो जाती है। ध्यान से डायग्राम में देखो, पहली बात तो T2 बड़ा है T1 से, पता कैसे लगा भाई, हमें पता है ना टेम्परेचर और इंटेंसिटी सेम होते हैं, ये I2 है ये I1 है, क्या दिख रहा है फिगर से, यहां से बढ़ रही है ना वैल्यू, तो क्या दिख रहा है कि I2 बड़ी है किससे, I1 से, इसका मतलब T2 बड़ा है किससे, T1 से। दूसरी बात, T2 T1 के बारे में बात कर ली,
अब क्या दिख रही है, सबसे पहले जब एक फिक्स टेम्परेचर था, मान लो चलो तुम अभी T2 का देखो सिंपल, अगर एक फिक्स टेम्परेचर था तो पहले लैम्डा बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, मैक्सिमम पॉइंट अटेन कर लिया दोनों ने। अब ये इंटेंसिटी क्या हो गई, मैक्स हो गई, एक पर्टिकुलर लैम्डा पे इंटेंसिटी क्या हो गई, मैक्स हो गया, आई लैम्डा मैक्स नहीं बोलेंगे बेटा, ठीक है, एक पर्टिकुलर लैम्डा पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। उसके बाद जब लैम्डा बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंटेंसिटी घट रही है। तो बेल वाली चीज बनी ना, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, जबकि यहाँ पे हमारी जो लैम्डा है वो तो बढ़ ही रही है, वो तो क्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही हो रही है। वेरी गुड। तो अब इसी चीज को देखते हुए मैक्स प्लैंक ने क्या बोला, मैक्स प्लैंक ने बोला कि जो हमारी रेडिएशन कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनो मैक्स प्लैंक क्या बोल के गए, मैक्स प्लैंक फॉर्मूला सब ये रट्टा मार लेंगे क्या, E=h(nu), क्वांटा के बारे में बात की थी, क्वांटाइजेशन कंसेप्ट लेके आए थे, क्या है ये चीजें, ध्यान से समझने की कोशिश करो। E=h(nu) की बात मैं करती हूँ, मैक्स प्लैंक ने बोला, बोलने पे क्या ध्यान देना है, चाहे कोई एटम हो या फिर कोई हमारे पास मॉलिक्यूल, जब भी रेडिएशन आएंगी तो ये कॉन्टिन्यूस फेज में रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता, ये किस में एब्जॉर्ब करता है, डिस्क्रीट लेवल्स में, किस में एब्जॉर्ब करता है बेटा, डिस्क्रीट लेवल में, नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। दोनों में डिफरेंस बताऊंगा तभी तो पता लगेगा क्या चीजें हैं। अब ध्यान से सुनो, मान लो इसके पास चार रेज आ रही है, एक 10 जूल, 20, 30, 40, ओके, डिस्क्रीट लेवल और कॉन्टिन्यूस। अगर मैं पहले तुम्हें कॉन्टिन्यूस का बताऊं, कॉन्टिन्यूस फेज का मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर मान लो 10 जूल के बाद 20 जूल की आई तो ये बीच वाली 11 जूल 12 13 14 15 16 कोई भी आएगी तो ये सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, कॉन्टिन्यूस पैटर्न। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट मीन्स सिलेक्टेड वन, 10 की 20 की 40 कर ली 60 कर ली, सिलेक्टेड पाथ होंगे, यानी कि इसमें एक फेज होता है, ये फेज है 10 से 20 का फेज है, 10 से 20, यहां सिर्फ ये दो लेवल है 10 और 20, बीच का एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिस्क्रीट लेवल फिक्स्ड लेवल्स ऑफ एनर्जी, कॉन्टिन्यूस मींस कॉन्टिन्यूस है, बीच के भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है, समझ रहे हो। अब बात हुई, इसने क्या बोला कि ये डिस्क्रीट लेवल में करेगा, मतलब कि एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, हमारी फिक्स फॉर्म में होगी और वही एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, वही फॉर्मूला दिया गया, क्या फॉर्मूला दिया गया कि E=h(nu), जहां E आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी, H आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेरी गुड, और न्यू आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। H की वैल्यू 6.626 10^-34 जूल्स सेकेंड, वेरी गुड। एनर्जी क्या होगी, 0 h nu, 2 h nu, 3 h nu, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ योर h nu। और तीसरी बात, क्वांटा किसे बोला गया, क्वांटा 1 h nu को क्वांटा बोला गया, एक फिक्स कर दी कि पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी आ रही है, और उस एक पैकेट एनर्जी जो आ रही है उसकी एनर्जी क्या है, एक पैकेट की, दैट इज योर 1 क्वांटा और योर h nu, वेरी गुड। तो बेटा ये थी तुम्हारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अब बात करेंगे दूसरा इफेक्ट जो कि है हमारा फोटो, जो क्या है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बात करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो थे वो हर्ट साइंटिस्ट थे, जो बहुत फेमस साइंटिस्ट भी रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बात क्या होती है, ध्यान से सुनो। अब मान लो कोई भी एक मेटल सरफेस है या कोई भी एक मटेरियल है जिसका सरफेस है, मैं मेटल ले रही हूं, उसमें हमारा कोई फोटोन आ रहा है, एनर्जी अभी बात की, मान लो कि इस फोटोन की एनर्जी h nu है, यानी कि एक रेडिएशन आई और मेरे मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करी। मुझे पता है मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे एटम्स, और उन एटम्स में कौन रिवॉल्व करते हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स, ये भी चीज पता है। इसका मतलब सोच के देखो कि अगर कोई रेडिएशन सनलाइट आ रही है और वो स्ट्राइक करे किस पे, मेरे एटम पे, और यहां से निकले क्या इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे उस एटम से, तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट, क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इतना सिंपल नहीं है, कुछ ना कुछ क्या होंगी कंडीशन, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जो इस इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी है, क्या नंबर है, उस चीज को डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर्स में निकल रहे हैं और कितनी एनर्जी के साथ वो निकल रहे हैं। अब बात आ जाती है कि वो कंडीशंस क्या है। पहली बात, अब देखो इलेक्ट्रॉन कोई जो यहां बैठा है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में है कि नहीं है, बिल्कुल है। वो उसके चारों तरफ घूमना चाह रहा है, आराम से स्टेबल होके मेटल के साथ बैठा है। अगर मुझे किसी कोई आ रही है चीज स्ट्राइक कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहती है, तो कोई ना कोई मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो रही होगी ना इलेक्ट्रॉन की, इतना तो चाहिए, इतनी एनर्जी तो आपको चाहिए तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप मान लो एक चेयर पे बैठे हो, आपके छोटे कोई भी ब्रदर आते हैं और आपको कहते हैं कि आप उस चेयर से डिस्प्लेस हो जाओ, अगर वो आपको पुश करते हैं तो आप डिस्प्लेस नहीं होगी, क्यों? क्योंकि जो उनकी एनर्जी है छोटे ब्रदर की वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू योर ओन एनर्जी। तुम्हें कौन वहां से अपनी कुर्सी से हिला सकता है जिसकी एनर्जी तुमसे ज्यादा पावरफुल हो, ठीक है ना? जो तुमसे ज्यादा पावरफुल हो तो तुम्हें धक्का मारेगा, तुम चेयर से गिर जाओगे, तो मतलब जगह खाली हो गई। वही बात यहाँ पे, अगर मान लो एनर्जी आ रही है एच न्यू, इलेक्ट्रॉन निकालना है जी, इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि एच न्यू नॉट, मान लो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम मान लेते हैं एच न्यू नॉट, ये मिनिमम एनर्जी थी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए बाहर जाने के लिए। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी ई आई, ई क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए जितना मेरा ई डैश है, यानी कि जो एनर्जी आ रही है जिस रेडिएशन की, वो एनर्जी मेरी ज्यादा हो, किससे, जितनी मेरी मिनिमम एनर्जी चाहिए, किसे बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। दैट मीन्स एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन योर एच न्यू नॉट। और इस एच न्यू नॉट को नाम क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है वर्क फंक्शन, यानी कि भाई वर्क तभी होगा, ये सारा काम इलेक्ट्रॉन को निकालने का तभी होगा अगर एनर्जी जो बाहर से आ रही है वो ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि पेरेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है तुम्हारी एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो जाएगा, लेकिन अगर छोटा भाई आ रहा है एनर्जी कम है जितनी तुम्हें डिस्प्लेस करने के लिए चाहिए तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टक्कर नहीं होगा। वेरी गुड। दूसरी बात, वर्क फंक्शन के बारे में बात की कि एच न्यू नॉट क्या होता है हमारा वर्क फंक्शन। तीसरा पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब देखो यहां पे आए तीसरे पॉइंट में आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने क्या बोला बेटा, इन्होंने बोला कि सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करो, क्या करो, कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करो। कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितनी एनर्जी आ रही है उतनी ही एनर्जी यहां निकलनी चाहिए, यानी कि एच न्यू बराबर होना चाहिए एच न्यू नॉट के। लेकिन मुझे तो पता है भाई एच न्यू बड़ा होता है किससे, एच न्यू नॉट से, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। अभी जो सब कुछ समझाया वो यही तो समझाया, यानी कि अगर ये दोनों चीज बराबर होनी है तो एच न्यू नॉट में कुछ ना कुछ क्या होगा, एड होगा। और वो एड क्या हुआ, फिगर से समझो, एनर्जी आई, मान लो यहां पे आपकी 10 जूल एनर्जी आई, 9 जूल इसका वर्क फंक्शन था, यानी कि 9 जूल एनर्जी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह यानी कि एटम से निकलने के लिए, तो 10 जूल आई तो 9 तो यहां कंज्यूम हो गई, बची कितनी 1 जूल। वो 1 जूल कौन, 1 जूल यूज होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, क्यों, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो स्टैटिक हो जाए, कब हो, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो मूव नहीं कर रहा, समझ रहे हो। लेकिन अगर वो सरफेस से निकल गया दैट मींस उसकी मूवमेंट हुई, और मोशन में जो एनर्जी होती है वो क्या, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो इसका मतलब एच न्यू किसके बराबर है, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के। तीसरा पॉइंट तुम्हारा ये हो गया। चौथा पॉइंट है रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग, एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर है हमारा और एक इंटेंसिटी है लाइट की, इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, म्यू, अगर मैं इसकी बात कर रही हूं, म्यू की बात कर रही हूं, अब म्यू के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ध्यान से सुनो, अगर ये कॉन्स्टेंट है ये कॉन्स्टेंट है, समझ रहे हो, वही बात, अगर मेरा म्यू बढ़ता है, म्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट होता है कि इतना ही, ये फिक्स होता है बच्चे, वर्क फंक्शन फिक्स होता है डिपेंडिंग कि क्या मेटल यूज कर रहे हो, हर एक मटेरियल के विद रिस्पेक्ट टू वर्क फंक्शन फिक्स रहेगा। तो अगर मैं म्यू बढ़ाती जा रही हूं, जो आ रही है इसकी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाती जाऊं रेडिएशन की, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ेगी
उतनी ही मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी। सवाल ये पूछ लिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी क्या इफेक्ट प्ले कर रही है, इंटेंसिटी का क्या फर्क है, यानी कि अगर मैं आने वाली रेडिएशंस की क्या कर दूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्क ये पड़ेगा जनाब कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फास्टली मूव करेंगे। क्यों? बाकी तो ये तो कॉन्स्टेंट है। अगर ये चीज बढ़ती जा रही है, तो कहां रोल प्ले करेगी, काइनेटिक एनर्जी में ही तो रोल प्ले करेगी। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी में, तो फॉर्मूला याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। फॉर्मूला भी क्या है बच्चे, सिंपल कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। अगर न्यू बढ़ता जा रहा है, ये तो कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, न्यू बढ़ रहा है तो कौन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी। और अगर इंटेंसिटी बढ़ाई जा रहे हो, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हुए हैं वो बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर यहाँ इंटेंसिटी बढ़ रही है, ब्राइटनेस बढ़ रही है लाइट की, तो जितने यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले वो बढ़ेंगे। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करी, फ्रीक्वेंसी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड किए हमारे इंटेंसिटी के ऊपर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डिपेंड किए बेटा, इंटेंसिटी के ऊपर। वेरी गुड। तो ये चीज दो, अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करूं जो हमने अभी अभी समझी, इन दोनों के बेसिस पे क्या निकल के आया, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि साइंटिस्ट जो पहले वाले थे वो कह रहे थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रोसेस, कौन कौन से, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है भाई वो क्या नेचर शो कर रही है, वेव नेचर शो कर रही है। लेकिन अगर जब मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और क्या पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, तो कुछ साइंटिस्ट कहने लगे ये तो पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है। अब दोनों के पास अपने अपने प्रूफ थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओके, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबके पास अपने अपने प्रूफ है, नलीफाई किया नहीं जा सकता। तो डिलेमा को सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक्सेप्ट कर लो। क्या एक्सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो क्या शो करती है बच्चे, ड्यूअल नेचर शो करती है। क्या शो करती है, ड्यूअल नेचर, यानी कि दोहरा व्यवहार, दोहरा नेचर शो करती है, डबल। डबल क्या, वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी शो करती है। अब बात आई कि कहां वेव होगी, कहां पार्टिकल होगी, है दोनों ही चीजें उसमें। जब वेव प्रोपगेट करती है, जब वेव प्रोपगेट मतलब कि मूव करती है, तो वो वेव्स की फॉर्म में मूव करती है। लेकिन जब वेव और रेडिएशन कह सकते हो इंटरैक्ट करती है किसके साथ, किसी भी मटेरियल के साथ या किसी भी मेटल के साथ, तो वो कैसा एक्ट करती है, तब वो एक्ट करती है एज अ पार्टिकल नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ में आ गई, वेव भी है पार्टिकल भी है, एक्सेप्ट क्या कर लिया कि ड्यूअल नेचर शो करती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस पूरे लेक्चर का। अब बात जो थी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो हम करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रही हूं वो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस जो है, क्योंकि बेटा YouTube पे क्या हो रहा है, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, क्यों, क्योंकि साइड बाय साइड ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस हमारी चल रही है, ठीक है। तो इस वजह से टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, और जो स्पीड YouTube पे चल रही है आई डोंट थिंक उसमें हम पूरी चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम सब कवर कर लेंगे, ठीक है। अब ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस जो थी वो हमारी दोनों क्लासेस के लिए है, प्लस वन भी और प्लस टू के लिए, ओके। कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, हमारे पास दो, एक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री पता है, केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगी आपको, ओके, और फिजिक्स जो है वो पढ़ाएंगे आपको आशु मैम, ओके। 10 to 12 ईयर एक्सपीरियंस है मैम का, ओके बेटा। तो आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लस वन और प्लस टू। अब कवरेज क्या क्या होगी, कवरेज होगी हमारी बोथ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का कंप्लीट कवर करवाया जाएगा। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलती हूँ लेक्चर्स में, ठीक है। साथ में हम रेफरेंस बुक रखेंगे, ओके,
जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर योर 12th क्लास, ओके, बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो हमारे जेई मेंस के क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस पेपर्स ऑफ जेई मेंस, ठीक है बच्चे। इसमें आपके पास वीकली टेस्ट भी होगा, डाउट सेशंस भी हैं, ओके, दोनों में ही इंक्लूडेड है। यानी कि ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस में कुछ भी नहीं छूटेगा, ना एनसीईआरटी, ना रेफरेंस बुक, ना कोई जेई मेंस का, या फिर कोई प्रीवियस अगर बोर्ड में एक पेपर आया है उसका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं छूटेगा, कंप्लीट कवर होगा। अब टाइम पीरियड कितना लगेगा? टाइम पीरियड लगेगा बच्चे 6 to 8 months, क्योंकि अगर कंप्लीट कवर करना है, करवाने को 4 महीने में भी कवर हो जाता है, लेकिन अगर अच्छे से कवर करना चाहें कंसेप्ट्स के साथ, तो 6 से 8 महीने आपको आराम से लगेंगे, ठीक है बेटा। और अब बात आ जाती है क्या आपके चार्जेस की। चार्जेस बहुत मिनिमल है, पर मंथ लेस देन 1500 यू हैव टू पे, ओके, तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस है। अगर मैं बात कर रही हूँ केमिस्ट्री की, और मैं बात कर रही हूँ किसकी, फिजिक्स की, ओके बेटा। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर मैं बात कर दूं, फॉर केमिस्ट्री इट्स 10,000 एंड फॉर फिजिक्स इट्स 12,000, ओके। अगर आप दोनों ही कोर्सेज साथ में कंबाइन लेना चाहते हो, दोनों ही आपने क्लासेस लेनी है, तो इट्स 20,000, ओके, 2,000 आप बाहर सेव कर सकते हो। सेकेंड थिंग बच्चे, फ्री डेमो क्लासेस होंगी, फ्री डेमो क्लासेस स्टार्टिंग 5 days, ओके। बैच किस डेट से स्टार्ट होगा? जो फ्रेश बैच है वो होगा हमारा 10th of July से स्टार्ट, ओके। तो बच्चे अब देखो, अगर आप 10 to 12,000 में आपको इतना कंप्लीट पैकेज मिल पा रहा है, तो वो बहुत ही मार्केट वैल्यू से बहुत ही चीप है, ठीक है ना बच्चे, और आप आसानी से सारी चीजें कवर भी कर लोगे। अब बात आती है कि आप कॉन्टेक्ट कैसे करोगे। जो भी इंटरेस्टेड है वो क्या करें, दे हैव टू मेल, ओके, एंड द मेल आईडी इज chemistsharma548@gmail.com। अपना नाम, नेम, स्टेट यू बिलोंग टू, ओके, एंड कोर्सेज यू वॉन्ट टू एनरोल, यानी कि दैट मीन्स फिजिक्स ओनली, केमिस्ट्री ओनली, और बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओके, दिस थिंग यू हैव टू टेल मी, ओके बच्चे। सो आई थिंक आज का जो लेक्चर था वो अच्छे से समझ में आया होगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस तरीके से हम उनसे कहां तक पहुंच पाए, कहां तक पहुंच पाए बच्चे, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तक पहुंच पाए। सो बेटा स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड बी एट योर होम्स, ओके, थैंक यू।